को तो पलटू राम कितने सीट बदलते रहेंगे कोई पता नहीं, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लाओ का आदमी है, जलपौसी बिहार का मुख्यमंत्री है, इनसे देश चलने वाला बिहार नहीं है, बिहार बहुत बर्बाद कर दिया है। और बीजेपी के साथ हम कैसे रहेंगे, ना कांग्रेस के साथ रहेंगे, कोई नेता हमारे बिहार का सही नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलता है, कोई योजना कहाँ कहाँ? नहीं नहीं नहीं, जो योजना आती है ना वह रह जाती है, कोई योजना नहीं आती है, 4-5 गो को मिलता है, बाकी सब घोटाला। अनाज मिल रही है ना, उसमें भी मुखिया खा रहा है, उसमें भी 5 किलो मिल रही है गेहूँ, तो 2 किलो मुखिया को देने पड़ता है। कितना गरीबी है देख रही है, कहीं ये पटने टाउन में देखिए, जितना रिक्शा वाले देखते हैं जो बिरदे बिरदे है, जर जवार किसी है कोई रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं है। मतलब कितना कमाई हो जाता है? कमा देते हैं वे, बहुत मेहनत करते थे, 300-400 बहुत मेहनत करते हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार के बारे में क्या करें, नीतीश कुमार तो किए सब ठीक है किए, औरत सा कर दिए, वो तो किए अपना अथी के लिए, जो औरत हमारा दोनों कमाएगा खाएगा तो सही होगा है, बाकी इसका नतीजा तो हुआ आज औरत तो ऐसा हो गया कि जब तो मर्द को देखना नहीं चाहता है। अच्छा, महिलाओं के लिए काम किए तो महिलाएं जो है आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गया तो, और मर्द को कोई पूछ नहीं है। हाँ, कोई पूछ नहीं है, ऐसा है अभी तो महिलाएं बहुत पिछड़ी जगह है, बहुत जगह है अभी। हाँ, बहुत जगह है, मतलब इसका नुकसान हो गया भारी? नुकसान क्या हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, सब चल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ गई, वही महिलाएं तो बहुत पहले पीछे थी। हाँ, पीछे था, से आगे बढ़ हुआ था, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाती है तो क्या? हाँ, तो वो आगे बढ़ गया था, मर्द पीछे बढ़ गया। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बराबर नहीं, पहले नहीं था। अच्छा, शराबबंदी पे क्या करेगा? शराबबंदी किए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मिलता तो है सरेआम इस पे, अच्छा मिलता है, महंगा मिलता है तो 84 रुपया का मिलता है डायरेक्ट, पहले लोग डायरेक्ट पीता था जहाँ तहाँ से लेकर के, अब नहीं है। अच्छा ठीक है, 24 का चुनाव आने वाला है, आप लोग सही जनता है, क्या लगता है कि कौन जीतेगा जो प्रधानमंत्री का जो है? आप व्यक्तिगत तौर पर राय पे बताइए ना कि आपको नसीब, अब वो लोग का नसीब है जो क्या कौन जीतेगा क्या होगा, वो तो जनता बनाता है सबको, सरकार तो जनता बनाता है, जनता को बनाते है भाई, जनता को देते क्या है? कुछ नहीं, कमाता है खाता है और कुछ मिलता है। अगर दिए हुए रहते हैं जनता को इतना जो सरकार लोग बनाया, दिए हुए रहते तो जनता से इतना गरीबी में रहता, कितना गरीबी है देख रही है, कहीं ये पटने टाउन में देखिए, जितना रिक्शा वाले देखते हैं जो बिरदे बिरदे है, जर जवार किसी है कोई रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं, ऊपर से ई रिक्शा भी आ गया है, वो भी आप लोग पे अलग मार है। हाँ, अलग अलग सब लोग जल्दी बैठते नहीं है, बोलते उसमें इतना भाड़ा देंगे तो इसमें इतना क्यों देंगे, ज्यादा भाड़ा है, वही ना, वही उस पर ज्यादा जवान है तो जल्दी से बैठ लगा, फिर हो गया गमे जाएगा। कितना कम, मतलब कितना कमाई हो जाता? कमा देते हैं वे, बहुत मेहनत करते थे, 300-400 बहुत मेहनत करते थे। महंगाई भी ऊपर बहुत ज्यादा है, और ज्यादा रिक्शा पर चढ़ने के लिए अभी चाहता लोग नहीं है, ऊपर से आप लोगों को शक्ति चाहिए, शक्ति पे जाना पड़ता है। खाना पीना बीच है, वही में सब कुछ है, खाना पीना किराया बाल बच्चा को सब कुछ उसी में देखना है। चलिए ठीक, क्या नाम हुआ? मुन्ना मोहम्मद। कहाँ से हैं आप? नवतपुर घर है, बहुत दिन से चौथा पास है। चलिए रिक्शे के पास बात करते। तो मुन्ना जी कितने दिन से चला रहे हैं रिक्शा? चौथा पास से चला रहे हैं। चौथा पास से थे आप तब? हाँ। क्यों छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई का ही छोड़ दिए? पढ़ाई लिखाई का उस समय दिमाग नहीं था। हाँ। खेती गृहस्थी करते थे हम, उस समय 4-5 भाई थे, गरीबी हालत था, अभी भी गरीबी हालत है, पढ़े हुए लिखे हुए। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलता है, कोई योजना? कहाँ, नहीं, जो योजना आती है ना वह रह जाती है, कोई योजना नहीं आती है, 4-5 गो को मिलता है, बाकी सब घोटाला। अनाज मिल रही है ना, उसमें भी मुखिया खा रहा है। हाँ। उसमें भी 5 किलो मिल रही है गेहूँ। हाँ। तो 2 किलो मुखिया को देने पड़ता है। कौन बन जाया थे आपका? वहाँ का भनमेश्वर मुखिया के घर के इधर में है नवतपुर, 2 किलो मुखिया ही खा जाता है। हाँ, 3 किलो मिलता है। हाँ, अब 10 किलो चावल मिलती है। हाँ, यानी कि योजना आती है बीच में अटक करके, तो पहले खाने वाले जो है ऊपर से भी खा जाते हैं, नीचे तक के भी लोग खा जा रहे हैं। हाँ, यानी कि 2 मुट्ठी करीब तक पहुंच रहा है। हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल में भी लेने जा रहे हैं तो तौल रहा है 10 किलो, तो हो जा रहा है 5 किलो। और किसी योजना का लाभ कोई चीज का योजना का लाभ नहीं मिला? रिक्शा बांटा वो भी नहीं चला, नीतीश कुमार फलाव का आदमी है, जलपौसी बिहार का मुख्यमंत्री है, इनसे देश चलने वाला बिहार नहीं है, बिहार बहुत बर्बाद कर दिया है। और शराब की मामला में पूछे थे यार, शराब बंदी कहाँ है? अब बगल में कुतवाली थाना है, इतना बड़ा थाना आती है, 3-3 थाना है, गांधी मैदान, बुद्धा कॉलोनी, और बगल में बोर्डिंग रोड है, आपकी कौन जगह पर शराब नहीं मिलती है ये बताया जाए हमको?
वहाँ कभी मीडिया वाले नहीं गए हैं, जो अभी स्विमिंग पूल बन रही है वहाँ पर भी मिल रही है शराब। एक कॉल करता हूँ, खुलियाम आपका लड़की दे रही है शराब, स्कूटी से आती है, बिहार का पुलिस दे रही है शराब, बिहार का पुलिस जो स्कूटी में लंबर लगा कर चल रही है उस लड़की शराब दे रही है हमको। अब बताइए कहाँ शराब बंद है, शराब बंदी है नहीं, शराब बंद है, शराब बंद नहीं है। जिसके पास पैसा है, अरीम के लिए तो पहुंच जा रहा है अपार्टमेंट में, गरीब के लिए झोपड़पट्टी में 50 का दारू है, 30 का दारू है, 25 का दारू है, हर रेट में दारू महिला दे रही है। वहां दोनों चीज मिल जा रही है, जहां शराब पीने जा रहे हैं लोग महिला के पास, महिला बुलाती है रिक्शा वाले, ये रिक्शा वाले शराब पी लो, 30 रुपया 20 रुपया में शराब दे रही है। वहाँ खाना भी मिल जा रहा है, मुर्गा चावल सब मिल जा रहा है वहाँ पर। शराबबंदी का नाम मत लीजिए, बंद नहीं है। नीतीश कुमार खाली हल्ला उड़ा दिया तो बंद है। नीतीश कुमार से नाराज क्यों लग रहे हैं? नाराज कहाँ है, खुशी में है। बाकी उनसे शराबबंदी नहीं हुआ इसके लेकर हम चीड़ में। अच्छा, बीजेपी के साथ भी? बीजेपी के साथ हम कैसे रहेंगे, ना कांग्रेस के साथ रहेंगे। कोई नेता हमारे बिहार का सही नहीं है, कोई नहीं। लालू जी 15 साल लूटे, नीतीश जी 25 साल लूटे, सब लूट ही रहे हैं। सब बीजेपी भी आएगा तो लूट लेगा। कांग्रेस 40 साल 50 साल सरकार चलाई, वो भी लूट कर गए। यहाँ पर ऐसा नौजवान लड़का चाहिए मुख्यमंत्री, तो जो सभी तबका की देखे सभी। अच्छा, आपके नजर में कौन लगता है, कौन ऐसा कर सकता है, कोई नौजवान है? तेजस्वी यादव, चिराग तेजस्वी ना, चिराग पासवान तो देख सकते हैं, हरजन के नेता हैं, दलित हैं, वो देख सकते हैं। माझी आजी नहीं देख सकता है ना, माझी आजी नहीं देख सकते वो, नहीं संतोष नहीं देख सकता। वो तो मुख्यमंत्री बन के भी रहे हैं उतना दिन, एक महीना मुख्यमंत्री माजी बन के रहा है, उनको नीतीश कुमार लालच देकर बना दिया और फिर हटा दिया, फिर अपने पद पर आए। वो तो पलटू राम कितने सीट बदलते रहेंगे कोई पता नहीं, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो जदयू कुराने के सामने शराब बिकती है, हाँ ऑफिस के सामने शराब बिकती है, सचिवालय थाना के सामने शराब बिकती है। अब बताइए कितना करीब है, के किलोमीटर जाएंगे तो हम पुलू पट्टी शराब पीने जाएंगे। बिहार में शराब बंदी नहीं है, खाली फोन ले लीजिए, शराब हर चीज आ जा रही है, शराब बंद नहीं है मैडम। अच्छा, ये सब अफवाह है, अफवाह, चलिए इसको छोड़ते हैं। एक बात बताते हैं, 24 में चुनाव आने वाला है, सब नेता लोग घर आएंगे, तो हाथ जोड़ के मारेंगे। 24 के चुनाव में तो 40 की 40 सीट आ जाएंगे, हम भाग गए हैं बीजेपी में, ये नामुमकिन है। यहाँ तो बटा गया है जाति का, मुस्लिम और यादव भी और दलित भी बट गए हैं। अब तो यहाँ लड़ाने की बात है, जब 24 में सरकार भी बन जाएगी तो हिंदुस्तान की जनता अपने में मर पाएंगे, हिंदू मुस्लिम मर जाएंगे। हाँ, इतनी नफरत राम मंदिर के हो गए हैं तो मर जाएंगे, यहाँ फैल गया है, ऐसा हो गया है। तो बीजेपी वाले खाली मस्जिद तोड़कर मंदिर बना देना, ये पॉलिटिसी नहीं होता है। घर में राशन पॉलिटिसी, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में पूरे बंटवारा होगा ना, जैसे झारखंड हमारे बिहार का बंटवारा हो गया, उसी हिंदुस्तान भी बंटवारा होगा। हम जाएंगे कहाँ, ये मुस्लिम हिंदू जाएंगे कहाँ? आए कर दीजिए, जब बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बंटवारा कर दीजिए, यह बंटवारा हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान बंटवाए थे इंदिरा गांधी, उसी तरह से बंटवारा हो जाएगा हिंदुस्तान में, फिर छोटा मोटा हिंदुस्तान हो जाएगा। खत्म, देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिम रहेगी तो जीवन भर हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेगा, किसी की सरकार हो यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेगा। 370 धारा नरेंद्र मोदी हटाकर बहुत बड़ा गलती किया है। हाँ, देख लीजिए पूरे नौजवान लड़का में मौलाना क्या कह रहे हैं या पंडित क्या कह रहे हैं, राम मंदिर का जय श्री राम वो करे नारा, तस्वीर अल्लाह अकबर, छोड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे कलबला के पास। कल जो अरेस्ट हुई आपके गुजरात की मौलाना, उनके क्या गुजरात का मौलाना को अरेस्ट करना चाहिए, वो तो मिलाद में थे, मगर गुजरात का नहीं कहे, पूरे देश का बर्बाद मुसलमान का है। हम अपने जाति का पर नहीं करते, सभी पर देख लीजिए, भारत में नफरत हो गई। ये पंडितों और मौलानाओं का काम नहीं, होता नहीं, है आपस में मिलाना नहीं, वो कहाँ मिलाएगा, वो मिलाएगा नेता लोग कर दिया। जैसे एक बिहार में शराब बंदी है, बोल रहे हैं शराब बंदी है, कहाँ बंद है, अभी पीने का मन रहेगा पुलू पट्टी चले जाएंगे, शराब मिल जाएंगे। नेता को अच्छा चाहिए तो एक कराइया, हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक सजा होना चाहिए। अच्छा, ये भी ना है, हमारी भी तो गलती है, दो नेता कुछ बोल बोल के चल जाते हैं, हम लोग भड़क जाते हैं। भड़कने के तो जनता को पैसा देता है तो भड़क ही जाएगा ना, जनता को पैसा देता है, वहाँ दलित है तो वहाँ दलित को करोड़ों रुपया दे दिया,
ठीका दे दिया नल्ली को। नीतीश कुमार के राज्य में क्या हो रहा है? इतना मनी पार्क बनाया, जो उनका आदमी है उन्हीं को ठीका मिला है। देखिए उनका भगना को कभी खोजे नहीं थे, उनका साला को देख लीजिए, खैनी बेचते थे बहादुरपुर गुमटी, आज वो करोड़पति हो गए। पत्नी से कभी पता नहीं नीतीश कुमार को, ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी फुल बहुमत नहीं है इनके पास। चार को विधायक बन ले लेते हैं, मंत्री ले लेते हैं, बोलते हैं तो हम मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा नहीं है तो इंजीनियर पढ़ के वो बिहार का जनता को बुड़बक बना रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं उनको बुड़बक बनाकर वोट बैलिंग ले लेने हैं, क्लीनर को बल पर या गुंडा के बल पर या पुलिस के बल पर। बात सुनी समझी, उनका कहना था कि सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे, जदयू की रहे, बिहार में किसी की भी रहे, सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है उनका।